ज्ञानव्यापी विवादित ढांचा मामले में आज जिला अदालत से एक बड़ा फैसला आना है और वाराणसी की जिला अदालत छावनी में तब्दील हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। जो भी वर्डिक्ट आएगा उसे अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी स्वीकार करेगी, ऐसा मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा किया गया है। गौरतलब है कि पिछले 3 महीने से लगातार इस मामले में सुनवाई जारी है और इसी बीच जो पक्ष रखा गया था हिंदू समुदाय की तरफ से वो ये था कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वा कर मस्जिद बनाई थी। बादशाह आलमगीर ने हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, ऐसा भी दावा किया गया। और इस पूरे मामले में 4 महिलाओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने पक्ष रखा था। इसमें उन्होंने 26 फरवरी 1944 के गैजेट को फर्जी करार दिया था और ये कहा था कि जो मंदिर का स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर और उसके ऊपर मस्जिद खड़ी कर दी गई है। इस दावे पर मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ये बेसिकली मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत आता है, यानी कि आज़ादी के बाद जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्वरूप में है वैसा ही रहेगा, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस पर हिंदू पक्ष ने दलील दी थी कि मंदिर के स्ट्रक्चर पर मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया है, ये विशेष उपासना स्थल एक्ट से बाधित नहीं है, यानी कि जो 1991 वर्शिप एक्ट है उसके अंडर ये मंदिर नहीं आता है, ऐसा हिंदू पक्ष ने दावा किया है। आज दोनों ही पक्षों की दलीलों पर एक सुनवाई होनी है और उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में एक बड़ा फैसला आएगा। विशेष उपासना स्थल कानून 1991 का जिक्र करके मुस्लिम पक्ष पहले ही कह चुका है कि अदालत में आज़ादी के बाद जो भी धार्मिक स्थल जिस रूप में होगा उसी रूप में रहेगा। इससे मुस्लिम पक्ष ने मामले को सुनने योग्य ना करार देने की अपील की थी। गौरतलब है इसी बीच सबसे पहले एक सर्वे करवाया गया था, उस सर्वे में कई तथ्य निकल कर सामने आए थे, कई रिकॉर्डिंग्स की गई थी, तस्वीरें सामने आई थी और ये तस्वीरें लीक हुई थी या की गई थी इन पर भी सवाल खड़ा होता है। कोर्ट के जजमेंट से पहले ही मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत सी वीडियोस और तस्वीरें सामने आई थी जिसमें मुस्लिम पक्ष का कहना था कि जो आकृति पाई गई है वो एक फव्वारा है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना था कि वो एक प्राचीन शिवलिंग है जिस शिवलिंग पर वजू किया जा रहा है, यानी कि जो नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोए जाते हैं वहाँ जो जगह बनाई गई है वजू करने की, उसको लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वहाँ जो आकृति पीछे मिली है वो आकृति दरअसल शिवलिंग है। पूरे मामले में देश भर में विवाद हुए थे। वहीं मुस्लिम पक्ष ने पूरे मामले को चुनौती देते हुए अपील की थी कि ये मामला सुनने योग्य नहीं है, इस पर आज सुनवाई होनी है और वाराणसी जिला कोर्ट इस बात का निर्णय लेगी कि सुनवाई योग्य ये पक्ष है या नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।